तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। हरिः दुख क्या है? दुख की बात करते हैं। संसार में हर व्यक्ति दुख से सुख की तरफ ही बढ़ने के लिए आतुर है। दुख है क्या? दुख के बहुत सारे नाम हैं। यदि आप समझ लोगे तो दुख से बच जाओगे। दुखद परिस्थिति आएगी लेकिन आप दुखी नहीं होंगे यदि आप समझ लेंगे तो। आज एक तो आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि दुख है क्या। दुख है कुसंग, दुख है मूर्खों का संग, दुख है सही संस्कार का ना होना, दुख है भावना की अधिकता, विचार की कमी, दुख है ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। ये पॉइंट इतने जो बताए, इतने भी यदि आपने पकड़ लिए तो आप दुख से बच जाएंगे। एक बात और आप अच्छी तरह समझ लीजिए, माताओं भाइयों बहनों, हमारे प्रिय हो आप सब, सभी प्रिय हैं, लेकिन जो सत्संग सुनता है वो अति प्रिय होता है। तो आप लोग सत्संग सुनते हैं इसलिए आप लोगों को हमने प्रिय अति प्रिय से संबोधन किया। क्या हमारे जो अवतार हुए उनके जीवन में कोई दुखद परिस्थिति नहीं आई? राम जी सुन लेना, जो जो भी दुखी अपने आप को दुखी दुखी रोता चिल्लाता है ना, हमारे पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जैसे कोई प्रश्न की बात आती है, इधर उधर से प्रश्न आ जाते हैं, बोले ये दुख है वो दुख है, बेटे नहीं मानते, ये नहीं मानता वो नहीं मानता, ये दुख है। भगवान कृष्ण जो खुद अवतार हैं, उनके स्वयं के बेटे उनके कहे में नहीं चलते थे। ये बात किसी ने सुनी होगी तो किसी ने नहीं सुनी होगी। भगवान कृष्ण के स्वयं के बेटे उनके कहे अनुसार नहीं चलते थे। भागवत पढ़ो आप, कथा आपको मिलेगी। और हाल तो ये था कि शराब पीते थे और लोगों को परेशान करते थे, आते जाते लोगों को किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते थे। आज आप समझते हो कि आपके घर परिवार या अन्य लोग दुखी हैं या कोई शराब पीता है, तो क्या भगवान कृष्ण उस समय दुखी हो गए उनकी दुखद परिस्थितियां देख के? ऐसी दुखद परिस्थितियां आई तो भी उनको देखकर दुखी हो गए? दुख का कारण खोजो। यदि दुख को दूर करना चाहते हो तो दुख का कारण खोजो।
दुख का कारण आप स्वयं अपने आप हो या दुख का कारण आपके लिए कोई दूसरा उत्पन्न कर रहा है। इस पृथ्वी पर दो तरह के जीव होते हैं, होते तो कई तरह के हैं लेकिन दो तरह के मनुष्य तो प्राय हम सबके पाले पड़ते हैं। एक वो होते हैं जो समझाने बुझाने से सुलझ जाते हैं, समझ जाते हैं और सही मार्ग पकड़ लेते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वो कभी ना कभी समझने से हमारी बात मान के सही मार्ग पकड़ लेते हैं। एक वो होते हैं कि उनको हमने 10 बार समझाया, फिर 12वीं बार भी समझाया, 13वीं बार भी समझाया, हम उनको 20 बार समझा चुके लेकिन वो अपने मार्ग को बदलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मिला है कुसंग, उनको नहीं मिला सत्संग, उनको नहीं मिला विचार, उनको नहीं मिली अच्छी संगत, और अब अच्छी संगत उनको मिलने वाली नहीं है। छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा अभी। इसीलिए अपने मन को चिंतित ना करें, परेशानी मोल ना लें फालतू की, अपना भुवन बुहारो, जो जैसा है सो तैसा ही रहने वाला है। हमारा कर्तव्य है कि हम किसी को समझाएं 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 20 बार 50 बार, लेकिन जो पिछले हमने सेशन में बताई थी बात, यदि बच्चों को बचपन से संस्कार हमने ठीक नहीं दिए, बचपन के संस्कार गड़बड़ हो गए, तो जब वो बड़े होके उनकी आदतें पक जाएंगी, अब उनको सुधार पाना कठिन है। अब परेशान नहीं होना चाहिए, अब प्रकृति उनको सुधारेगी, कहीं ना कहीं से प्रकृति उनको अब अगला जन्म देगी, रगड़ेगी, क्या करेगी, तब वो सुधरेंगे। उनके लिए इसलिए परेशान नहीं होना, उनके लिए बस भजन करना, मंगल कामना करना कि वो सुधर जाएं, उनके साथ भिड़ने की जरूरत नहीं है। 2 माताओं की कहानी बताते हैं हम। 2 बहनें थी, एक ही घर में ब्याही गई, एक ही घर में विवाह हो गया दोनों बहनों का, और दोनों किसी ऐसे घर में ब्याही गई कि उनके पतियों को कुसंग लग गया। कुसंग ऐसा लगा उनके पतियों को कि वो शराब पीने लगे। अब वो बेचारी को तो पता नहीं था, वो शराबी को ब्याही गई किसी तरह से, उनको कुसंग मिला उनके पतियों को भी, वो शराब पीते थे, परेशान करते थे। अब वो बेचारी को भी मारते थे, गाली देते थे, मोहल्ले पड़ोस से भी जब गुजर के शराब पी के आते थे सबको गाली देते थे। वो दोनों बहनें खूब सुनती थी अपने पतियों से। अब जैसे तैसे करके उनको दोनों को एक एक पुत्र हो गया, संतान हो गई। ऐसे शराबियों को तो संतान भी ना हो तो ही ठीक है, हो गई तो चलो अच्छी बात है, सुधरते नहीं तो क्या करेंगे। अब संतान हो गई उनको 2। अब समझना माताओं, आप लोग सभी तरह के लोग जुड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के लोग हैं, माताएं हैं, समझ लेना आज ये बात। दोनों बहनों को उनके पति मारते थे, शराब पीते थे, दोनों को 2 पुत्र हो गए, एक पुत्र उसको एक उसको, और दोनों बहनों ने ये सोचा अपने मन में कि अब हम क्या करें, बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे क्या। तो एक बहन जो थी वो तो थी बिल्कुल सख्त नेचर की, एकदम टाइट बच्चे के साथ, जैसे हमने कहा लाड़ दुलार नहीं, कुछ भी गड़बड़ करेगा तो हम तुझे क्षमा करने वाले नहीं, अच्छा संस्कार देंगे, और उस बच्चे में भक्ति के संस्कार देना शुरू किए। बोले मम्मी मेरे पापा तो ऐसे हैं कि वो तो शराब पीते हैं, गाली देते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे मुझे भी कहते हैं तेरे पिताजी शराब पीते हैं। दोनों के साथ यही स्थिति थी, दोनों बहनों के साथ अर्थात दोनों बच्चों के साथ यही स्थिति थी, उनके पापा दोनों कैसे थे। तो एक ने क्या कहा कि बेटे तू अपने पापा, तेरे वो पापा तो नाम के हैं, वो शराब पीते हैं, क्या करें, सबके पिता तो भगवान होते हैं, सबके पिता भगवान होते हैं, भगवान से तू प्रार्थना किया कर कि हे प्रभु मेरे ये जो पिताजी हैं इनको भी ठीक कर, आप मेरे परम पिता हैं। और कैसे भी कुछ ना कुछ बहाना कहानी सुनाकर उसको भक्ति में लगाती थी। बोले माँ
मुझे तो कोई भाई भी नहीं है। अरे बोले नहीं तुझे भाई भी है, ऐसे वो भाई की भी कोई कथा सुना देती थी। दूसरी जो थी वो लाड़ प्यार में इतनी मग्न हो गई बच्चे के कि बच्चा जब जाता अड़ोस पड़ोस के बच्चों को तंग करता तो वो कहते अरे आपके बेटे ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो उसकी हिमायत लेती, उसकी उसके पक्ष में बोलती, अरे हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, हमारा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, हमारा तो खानदान ऐसा है, हम तो ऐसे हैं, और लड़के आती उनके साथ। अब ये बच्चा जो छोटा था इसके अंदर वही संस्कार पड़ता चला गया, छोटा मोटा आसपास से छोटी मोटी कोई चोरी भी करने लगा और धीरे धीरे जो है गलत संगत में भी पड़ने लगा। और दूसरी माता का जो बच्चा था वो भक्त बनने लगा, धीरे धीरे वो पढ़ाई में भी अच्छा होने लगा, वो सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आगे बढ़ने लगा, दूसरी तीसरी क्लास में सब में फर्स्ट आने लगा, क्योंकि माँ ने उसके मस्तिष्क को ऐसा कर दिया बेटे तेरे पास सिवाय पढ़ने के दूसरा कोई चारा नहीं है, यदि तू ठीक से पढ़ लेगा तो कुछ अच्छा बुद्धिमान हो जाएगा, दो पैसे कमा भी लेगा। और दूसरी माता उसको ठीक से खूब बिगाड़ रही है, अच्छे से बिगाड़ रही है, और लाड़ प्यार में बस वो करके आता है कुछ भी तो हंस देती है उसकी बातों पे। अब हंसने से बच्चा समझ लेता है कि ये इसको टेक इज एज अ ग्रांटेड, मतलब इसमें कोई माँ को बुरा नहीं लगा, इसको भी ठीक लगा, वो और बार 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 करते गए। अब ये माता का बेटा तो जो इसको बिगाड़ रही है ऐसा हो गया कि बस वो तो और दिन पे दिन और कुछ ना कुछ नई नई हरकतें करने लगा। और दूसरी माता का बेटा क्या हुआ, उसका बल्कि पति भी मर गया, दूसरी बहन का उसका पति मर गया। वो बोली अरे तेरे पिताजी गुजर गए बेटा, तुझे कुछ चिंता तो नहीं है? बोले नहीं माँ, आपने बताया है ना, देखो बच्चे के अंदर कैसे संस्कार, आपने बताया है ना मेरे परम पिता अभी हैं, और माँ आपने बताया मेरा भाई भी है। बोले हाँ तेरा भाई रहता है वहां, रहता है जंगल में रहता है, वो यहाँ नहीं रहता, ऐसे संस्कार भर दिए। बोले माँ जंगल से होके खेत खेत हैं, वहां से होके मुझे स्कूल जाना होता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे बोले तू उसका नाम लेके पुकारा कर, वो आ जाएगा। बोले नाम क्या रखा माँ? बोले गोपाल, गोपाल भैया गोपाल, ऐसे बोला कर, नाम लेके पुकारा कर। बोले गोपाल तुम सब जगह हो, जंगल में भी रहते हो, गोपाल। वो बालक एक दिन डर डर गया और ऐसे पुकारने लगा, भैया गोपाल। बालक ने पुकारा 2 बार 4 बार, अब ऐसा तो कोई भैया था ही नहीं, लेकिन भैया का भैया और पिता का पता, ईश्वर तो देख रहा है ना कि माँ ने संस्कार दिया है कि गोपाल हैं, वो सब जगह रहते हैं, उनकी ऐसी सूरत है, ऐसा वर्णन पूरा करके सुनाया हुआ था, सांवले सलोने से हैं गोपाल उनका नाम है, जंगल में रहते हैं, कभी बांसुरी भी बजा देते हैं, ऐसे से हैं वो, ऐसी कल्पना तो उनके मन में बच्चे के मन में दे रखी थी माता ने, तो बच्चा उसी कल्पना से पुकारे कहाँ हो भैया गोपाल, मुझे डर लग रहा है, कहाँ हो भैया गोपाल गोपाल गोपाल। माँ ने बोला था कि यदि तू पुकारता रहेगा तो वो आ जाएगा तेरी पुकार सुनकर। और बच्चे ने भगवान को प्रकट कर दिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपाल नाम लेके छोटे बालक बन के उसके सामने प्रस्तुत हो गए, और ये बालक को सहारा मिल गया भगवान का बचपन से। अब ये बालक बड़ा होनहार बना और बड़ा होके बड़ा काबिल बना और माँ की बड़ी सेवा की इसने, ये एक बालक था। इधर दूसरी तरफ इसका इसकी बहन का बेटा बड़ा हो रहा है। अब इसकी जो बहन है ये इसकी हर अपने बेटे की हर बात को जो है किसी तरह इसको, दूसरा बेटा भी हो गया, पहला बिगाड़ा दूसरा भी बिगाड़ दिया। अब किसी काम में इसका बेटा जो है कहीं पकड़ा गया, तो पकड़ा गया तो बोले बोल तुझे सजा देने वाले हैं, किसी से मिलना चाहता है क्या? बोले हाँ मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है इसकी माँ को बुलाया जाए, माँ बुलाई गई। तो बोले मैं अपनी माँ से 1 मिनट बस कान में कुछ कहना चाहता हूँ, बस 1 मिनट कान में, मुझे जज साहब 1 मिनट का मौका दे दिया जाए, कान में अपनी माँ से कुछ कहना चाहता हूँ।
बोले भाई इसे सजा होने वाली है, पता नहीं फिर सजा के बाद आगे कोर्ट में अगले में अपील डाले ना डाले, इसकी यही सज़ा उम्र कैद जैसी बीत जाए, ये बालक मिल पाए ना मिल पाए, चलो गलती है जो है, अंतिम इच्छा तो इसकी पूरी करो, अंतिम मतलब सजा होने से पहले की इच्छा, ऐसी मृत्यु वाली नहीं अंतिम। माँ ही निकट आई, सोचा माँ ने भी सोचा, माँ तो बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी ना लाड़ प्यार में, कि इसने तो बिल्कुल बेकार करके रखा था माँ ने बेटे को, और वो भी लाड़ प्यार से ऐसा सोचती थी, पता नहीं क्या कोई चोरी चकारी करके कोई खजाना दबा रखा होगा मेरे कान में कह देगा। माँ पास में आई, माँ के आती उसने माँ के एक कान को मुंह में जोर से लेके काट दिया, माँ को कनकटी बना दिया उसने। जज साहब बोला पकड़ो उसको, भाई इसने ये क्या किया? बोले यही मेरी माँ है, बचपन से इसी ने मुझे बिगाड़ा है, इसका परिणाम है कि आज मैं जेल में जा रहा हूं, ये मेरी माँ है, आज इसी का ये परिणाम है कि आज मैं जेल में जा रहा हूं। काश मेरी माँ मुझे मेरी मौसी की तरह संस्कार दे रही होती, तो जैसे मेरा दूसरा भाई मेरी मौसी का बेटा जो है वो आज इतना बड़ा अधिकारी बना और उसके घर में धन धान्य सब है, और वो उनको पिता भी नहीं है, हमको तो पिता भी है, और वो सब लोग कितने सुखी हैं। काश मेरी माँ ने मुझे भी बचपन में डांट दिया होता, ऐसा संस्कार दे दिया होता, आज मैं इस हालत में नहीं पहुंचता। अब आगे चलती है कहानी, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चा बिगाड़ दिया ऐसा हो गया, लेकिन इसके आगे जो करेगा वो सच्चा सत्संगी है। उसकी माँ को बात समझ में आ गई कि मेरे जीवन में मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे बालक को बिगाड़ दिया, अब मैं क्या करूं। तो उस गांव में कोई संत आते थे, कोई महात्मा आते थे, वो कैसे करके महात्मा के दर्शन करने चली गई। वो महात्मा जी के सामने रोई, गुरु महाराज संत महाराज मैं तो बड़ी दुखी हूं, ऐसा है? अरे बोली बेटी तेरी सारी कहानी तो मैंने सुन ली, लेकिन तू ये बता कि ये तो सुधरने वाला तेरा बालक नहीं है, अभी तो चल छुटके भी आ गया वो जेल से, और दूसरा बेटा भी तुझे है, ये तो सुधरने की हालत में नहीं है, लेकिन तू इसके लिए अपना जीवन खराब कर रही है, इन बच्चों के लिए तू स्वयं क्या करती है? बोले महाराज कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा, बस वो बच्चों के पापा कुछ करने नहीं देते, ऐसे ड्रामा तो कर देती कई बार, माताओं को ड्रामा कई बार स्वाभाविक आता है, माता थोड़ी निपुण होती है, कई बार रोती है तो रोने लग जाते हैं, तो ऐसे मेरे बच्चों के पापा मतलब बात बताएंगे नहीं पहले रो पड़ेगी। महाराज कह रहे लगे रो मत, पहले बात पूरी बता, मुझे बात तो पता चले। अरे मेरे बच्चों के पापा कुछ भजन तो करने देते नहीं है, मैं क्या करूं कुछ करूं। अरे इतनी उम्र हो गई तेरी 55-60 साल, अभी भी बच्चों के पापा तुझे भजन नहीं करने देंगे? कैसी बात करती है, ये ड्रामा बंद कर, मैं बोलता हूं तुझे वो कर तू फिर देख। बोले क्या? बोले सुन मेरी बात, महात्मा ने एक के निमित्त 10 को सत्संग सुना दिया, महात्माओं का तो काम ही होता है कि एक का निमित्त बना के 10 लोगों का रास्ता, जैसे भगवान गीता अर्जुन को निमित्त बनाते हैं लेकिन सुना देते हैं, आज तक गीता ही चल रही है, कितने लोगों को सुना दिया, ऐसे महात्माओं का तो होता ही है, एक का निमित्त और सुने हजार करोड़ कितने पता नहीं। बोले अब एक काम कर, सुन मेरी बात, सत्संग सभी लोग सुन रहे हैं। बोले हाँ। बोले कुंडली में 12 घर होते हैं, हर व्यक्ति की कोई कुंडली होती है, जन्म कुंडली, और तूने देखा हो कुंडली में तो खाने खाने से बने होते हैं घर, बोलते हैं उनको ज्योतिष में, बावली इतनी बात समझ, 12 खाने होते हैं उनको, 12 खान 12, और हर खाने का कोई माता का होता है, कोई अपने शरीर को स्वस्थ रखने का होता है, इस तरह से होते हैं। यदि तू अपना 1 करोड़ जप किसी तरह पूरा कर दे, बोले यदि तू राम जी को मानती है तो राम 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 राम, शिव जी को मानती है तो शिव शिव शिव, कृष्ण भगवान को मानती है तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम इतना मंत्र तो दीक्षा तो मैं तुझे नहीं देने वाला, पहले तू नाम जप कर, तो वो नाम जप कर भगवान का, और 1 करोड़ जप की संख्या कर अपनी, और भूल जाए इनको बेटों के, बस कर्तव्य है तेरा समझाना, इनकी समझ में नहीं आती बात, ना तेरे पति की समझ में आती,
और ना तेरे बच्चों के समझ में आती, तो चिंता मत कर तू, भगवान है देखने वाले सुनने वाले। अभी तक जैसा जीवन बीता सो बीता, 1 करोड़ जप कर एक माला में 108 मन के होते हैं, और अपनी माला गिन ले कर ले अपना 1 करोड़ जप कर, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, और तू जल्दी करना चाहेगी तो जल्दी भी हो जाएगा, और फिर मेरे से मिल, यदि तेरा जीवन नहीं संवरा तो मुझे बोलना, चल मेरी गारंटी, ऐसा महात्मा ने कह दिया उनको। और वो माता ने कुछ ही वर्ष में अपना वो जब पूरा किया, और फिर तो वो ये भी भूल गई, उसके बेटे भी बदल गए, सब बदल गया, और वो माता ये भी भूल गई, उसने बेटों को कहना ही बंद कर दिया, भजन में लगी रहती थी, भजन में लगी रहती थी, भजन में लगी रहती थी। जब हमारा कहीं कोई वश नहीं चलता तो केवल ईश्वर के लिए ही हमें कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ भजन, ईश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए होता है वो, लेकिन ईश्वर के लिए बोलते हैं, हमारे लिए होता हो, ईश्वर के निमित्त बोल दो, भगवान, ईष्ट, ईश्वर, सब पर्यायवाची। जबकि ऐसी बात है कि एक साधक जप करते थे, उन्होंने ठाना वो षडाक्षरी मंत्र जो ओम नमः शिवाय होता है उसका अनुष्ठान करने का ठाना, वो उसका अनुष्ठान करने अपना छुट्टी वुट्टी लेकर, नौकरी करते थे उस समय, छुट्टी वुट्टी लेकर चले गए गए अपना जप करने, और उन्होंने जो है खूब जप किया, खूब बोले भाई छोटे छोटे को जप करने से क्या है, चमत्कार भी दिखने लगे, कुछ कुछ जप खूब किया, जैसे मानो दिन में 400 माला की हो। बाद में उन्हें लगा कि अभी तो मुझे लगता है मेरा मंत्र पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ, एक महात्मा से मिले। बोले गुरु महाराज मैंने इतना जप किया लेकिन मुझे लगता है मेरा मंत्र भी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि पूर्णतया से मुझे भगवान शिव के दर्शन तो अभी हुए नहीं, चमत्कार तो छोटे मोटे मुझे दिख रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन पूर्णतया मुझे नहीं लग रहा कि मुझे अभी भगवान शिव के दर्शन हुए। बोले कितना जप होगा कि महाराज कई लाख जप हो चुका है मेरा, इतने लाख जप मेरा हो चुका है। अरे बोले इतने लाख जप तो यदि तू सतयुग में होता तब होता, अभी कलयुग है, अभी जप को कम से कम 3 गुना तुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ऐसा महात्मा ने बोला। बिल्कुल सच्ची बात बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम 100% सच्ची बात, इसमें कोई कथा कहानी नहीं। बोले महाराज तो कितना और कर दे, बोले कम से कम 3 गुना, जितना किया उसका 3 गुना। बोले महाराज इतने लाख ही मेरे पे इतने दिन में हुआ है, 3 गुना के। बोले तू चाहता है तो कर, तेरी इच्छा है, तूने पूछा मैंने उत्तर दिया। और फिर वर्षों तक कई लाख, फिर तो 3 गुना 4 गुना कितना हो गया होगा कोई अंदाजा नहीं, अनुभूति भी हुई, जीवन भी बदला, सब कुछ बदल गया। अच्छा एक घटना और सुनाते हैं, हम वृंदावन में थे, हम एक महात्मा जी से मिले, वो उड़िया बाबा जी महाराज की परंपरा और अपनी हरि बाबा जी महाराज की परंपरा बड़ी पुरानी है, तो बड़े बड़े संत हो गए, बड़े प्रभावी अच्छे संत हो गए। उनकी परंपरा के एक महात्मा थे, वयोवृद्ध थे, 80-85 साल उम्र होगी, लेकिन चल लेते थे खुद से। अरे बोले अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ महाराज, ऐसे बोलते थे, कोई महाराज बोलता, कोई ब्रह्मचारी जी बोलता था, ऐसे बोलते थे, बैठो बैठो नाश्ता करके आए हो कुछ, तो हम शर्मा गए, मैंने कहा क्या बताऊं इनको कि यहाँ तो कुछ भी नहीं किया है, और तो हमें मांगने का हमारा स्वभाव नहीं है, किसी से कुछ कहने का, भूखे रहे तो भूखे रहे, प्यासे रहे तो प्यासे रहे, किसी ने दे दिया प्यार से खिला दिया तो खा लिया, नहीं खिलाया तो भाई कोई बात नहीं, पड़े रहे कोई नहीं, अभी बैठे हैं, अभी तो लग रहा है लाई हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्थिति तो लेकिन हमारी यही रहती है, कभी भी कहीं भी, अभी कोई सेवादारी मिलता तो लाइव चला देता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अभी तो सेवादारी है, लेकिन आगे पता चला कोई सेवादारी नहीं है, लाइव कैसे चलाएं क्या, तो ऑडियो सत्संग आएगा, इस तरह वीडियो सत्संग आएंगे कि नहीं आएंगे गारंटी नहीं दे सकते, सत्संग तो मिलेगा लेकिन ऑडियो मिलेगा, इस तरह हमें तो बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती कैमरा लगा के बहुत करने की। अच्छा खाने का भी वही स्थिति है, अभी भी सामान कोई रखा हो हमारे पास, कोई हम बांट सकते हैं लेकिन हमसे नहीं ऐसे खाया जाता,
वो लगा के दे दे तो ठीक है। तो हम चुप हो गए, थोड़ा हंसते थे, वो समझ गए कि ये भूखे हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो उन्होंने बोला ए ब्रह्मचारी जा दूध लेके आ, वृंदावन में तो गाय है। उन्होंने गाय का दूध, बोला महाराज दूध पियो, ये गाय का दूध है। दूध के साथ हमने कभी नमकीन खाई नहीं थी उस समय तक कभी, लेकिन उन्होंने नमकीन दी हमें थोड़ी। दूध के साथ नमकीन खाना, नमक का खाना दूध के साथ, ये विपरीत आहार है आयुर्वेद के अनुसार। इससे बाद में फोड़े फुंसी, चर्म रोग, खारिश, खुजली हो जाती है, इसलिए दूध के साथ विपरीत आहार नहीं लें। उन्होंने नमकीन दी, हमने प्रसाद समझ के खा ली, पेट थोड़ा भर गया, अच्छा भी लगा, भूख तो लगी हुई थी, तो कोई बात नहीं। अब ये जो धोती आप लोग देखते होंगे लाइव में, दिखती होगी कहीं ना कहीं, ये तो 300 रुपये की आती है, 350 की आती है ये धोती, महंगी नहीं पहनते हैं अभी, 350 की आती है, 300-350। उस समय तो हम 112 रुपये की हमने धोती खरीदी हुई थी, 115 रुपये की, और 115 रुपये की धोती हमने जो खरीदी उसको बीच में से फाड़ लिया, और ऊपर भी वो उसकी को और नीचे उसको तो जनैनी सी ऐसे अंदर दिख जाए आर पार ऐसे। अभी तो 300 रुपये वाली है, अभी भी कोई महंगी नहीं होगी मेरे ख्याल से भाई, 300 की भी ज्यादा महंगी नहीं होती होगी, और होती हो तो भाई कह नहीं सकते, है तो है 300 की। तो उन्होंने जो है बोला कि वृंदावन में रहते हो, इनका जी महाराज आपके सामने है। बोले कितना जप करते हो बोलो। हमने कहा महाराज इतना, जितना 1000 जप रोज करते थे उतना बता दिया उनको, इतना करते हैं। अब आप लोगों को ऐसे जप के बारे में इतना करते हैं ऐसा बताना थोड़ा अच्छा नहीं रहता, इसलिए बस आपको किसी प्रेरणा के लिए बता रहे हैं, उसमें आत्मश्लाघा नहीं है, आत्म प्रशंसा नहीं है, कुछ नहीं। कुछ 1000 जप करते थे तो बता दिया इतने 1000 जप करते हैं। बोले अरे इतने 1000 जप करने में तो वृंदावन में रहने का भी अधिकार नहीं है तुम्हें। ऐसे बोले वो महात्मा मुझे मुंह पे ही बोले, एकदम सामने सामने। मैं मुस्कुराया थोड़ा, मैंने कहा महाराज जी हमें तो जीवन में किसी ने पहली बार ही ऐसा बोला है। बोले नहीं बोला तो नहीं बोला, आज सुन लो कितना करूं। उन्होंने और बढ़वा दिया, खूब माला घुमाते, धड़ 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 दे माला खूब। तो जब से जीवन बदलता हमने देखा है, हमारा स्वयं का बदला है। बदलने का मतलब है कि एक पायदान से व्यक्ति अगले पायदान पे, जो हमारी पहले अनुभूति थी उससे अभी कुछ बेहतर अनुभूति है। आप यदि किसी समस्या में फंस गए हैं, घर की परिवार की कोई समस्या है आपके सामने, तो क्या ईश्वर ने भी आपसे अपने फाटक बंद कर लिए क्या? संसार ने तो फाटक बंद कर लिए होंगे, ताऊ ने, चाचा ने, भाई ने, भतीजे ने, ससुर ने, सास ने, किसी ने भी आपसे फाटक बंद कर लिए अपने, बेटे ने, बेटी ने, क्या ईश्वर ने भी फाटक बंद कर लिए? क्या आपके इष्ट ने भी फाटक बंद कर लिए? आप जब क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं अपना रोजाना इतने माला का संकल्प उठाते? जब आपने खूब संकल्प उठा लिया, आपको ना खाने की होश ना देखने की होश, भाड़ में जाए दुनियादारी, जिसका कर्म है वो अपना कर्म खुद संभालेगा। थोड़ी चिंता होती है, मानते हैं हम, अपना कोई पुत्र हो पुत्री हो उनकी चिंता होती है, इस बात को हम स्वीकारते हैं, लेकिन समझा समझा के कह कह के हम थक भी तो गए हैं। और जिस समय आप जप में लग जाएंगे, आपको कोई सुध-बुध नहीं रहेगी। आपने अपने मन को एक ऐसी दिशा दे दी कि ये दिशा सार्थक है। एक बार हम गंगा किनारे घूम रहे थे, एक वृद्ध संत घूम रहे थे, मुझे किसी ने बताया कि इनका जप बड़ा अच्छा है, और उनकी एकदम अजबा जप ऐसा है कि इनका, इनको जपना नहीं पड़ता, इनके श्वास श्वास के साथ जप चलता है। ये जप से संबंधित बातें आई, इसलिए जप की ही बातें बता रहे, क्योंकि कोई और सोल्यूशन आसानी से कई लोगों में विचार करने की उतनी शक्ति नहीं होती। किसी को कष्ट हो तो हम तो विचार कर लेते हैं, कोई भी घटना घटती है हमारे जीवन में। भगवान कृष्ण क्या विचार नहीं करते थे जब उनके बेटे उनको तंग करते थे? राम जी के जीवन में जब वनवास आ गया और तरह तरह की जो कठिनाइयां आ गई, क्या वो किसी विचार से उन्होंने रास्ता नहीं निकाला? खोजा सभी अपने, जो जो उनका साथ दे सकते थे उन सब लोगों को खोजा, खोज के एक सेना बनाई, फिर युद्ध किया, उसमें भी परेशानी आ रही थी। फिर अगस्त ऋषि जी से फिर उन्होंने जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का फिर दीक्षा ली, तब जाके रावण किसी तरह मरा, मुश्किल से। रावण आसानी से मरने वाला नहीं था भाई, कई व्याकरण जानता था, कई वेदों को
वो ऐसा वर्णन आता है कहीं जगह तो कि वो अपना पाठ कराने के लिए एकदम स्वर्ग से इधर से उधर से उच्च कोटि के ब्रह्मा जी के दरबार से अच्छे ब्राह्मण उसने बुलाए। ऐसे रावण को मारना कोई आसान काम था क्या? कठिनाई थी, बड़ी कठिनाई थी, लेकिन उन्होंने विचार किया, फिर रास्ता खोजा, फिर रास्ता निकला। तो हम घूम रहे थे गंगा किनारे, हमने उनको प्रणाम किया महात्मा जी को, ओम नमो नारायण महादेव, महाराज जी कैसा है? बोले ठीक है, बैठो 2 मिनट, थोड़ा आपका सत्संग होगा। बोले ठीक है। वो भी शाम का समय था, गंगा किनारे घूम रहे थे, हम भी बैठ गए, वो भी बैठ गए। मैं कहने लगा, महाराज मैंने ऐसा ऐसा सुना है आपके बारे में कि आपकी वो, अच्छा वो बोल भी रहे थे, बहुत थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे, ज्यादा बोल भी नहीं, और मैंने स्वयं देखा उनका जप भी चल रहा था। अच्छा जप भी नहीं छूट रहा और बोल भी रहे थे, देखो कैसी वो मुद्रा कैसी होगी, आप जरा कल्पना करो। मैंने तो दर्शन किए उनके कि वो जप भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती होंगी, आप सोचो जरा, जप चल रहा है और बात भी चल रही है। मैंने कहा महाराज मैंने ऐसे 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 ऐसे, तो बोले नहीं कितनी देर तक। मैंने कहा मुझे भी बताओ कितनी माला मैं दिन में करूं कि मेरी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि जब ऐसे चले। वो बोले नहीं बहुत देर तक, तो बोले ही नहीं वो, जब चलता है बोले नहीं। मैंने सोचा उत्तर देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा उत्तर दिया उन्होंने। बोले अरे भाई जब जब करना चालू करोगे तो तुम्हें खुद सुध-बुध नहीं रहेगी कितनी माला की, खाना पीना सब तुम भूल जाओगे इतना जब तुम करोगे, और जब तुम्हारा इतना जब चलेगा ना, उसके बाद वो अपने आप ही तुम्हारे कण कण में तुम्हारे श्वास श्वास के साथ ऐसा समा जाएगा कि तुम्हें फिर से ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कितनी माला। जप में बड़ी शक्ति है, 1 करोड़ जप में आपका कुंडली का प्रथम भाव शुद्ध हो जाएगा, प्रथम 1 करोड़ जप नहीं भी होगा, 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक भी पहुंचोगे तो भी आपको आपके जीवन में परिवर्तन दिख जाएंगे। और जबकि सिर्फ टेक्निकली गिनती तो हमने इसलिए बता दी जिससे आपको लगन लगे करने की, जप का संबंध भावना से है, उपासना कांड है जिसमें भावना का संबंध होता है, आपकी भावना कैसी बन रही है भगवान के प्रति। वो आपकी गिनती ऐसे नहीं देखेंगे कि इसका 1 करोड़ पूरा हुआ तो ही मैं इसको फल दूं। वो एक बार कोई शिव नाम बोलता है, ऐसा शिव महापुराण में है, तो बोले मैं प्रसन्न हो जाता हूं, भगवान शिव जी बोले, और किसी ने 2 बार बोल दिया ठीक से शिव शिव, तो बोले मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, शिव महापुराण में है। तो भगवान कोई आपसे, आप भगवान को प्रसन्न कर दो वो पहले दुखी थे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब हम लोगों ने बनाई हुई बातें हैं, इस बहाने से हम लोग जप कर लेंगे और वो जप करने से हमारा, देखो तो साइंटिफिकली हमारा मन इतना शांत हो जाएगा, क्योंकि वो जप में ही इतनी शक्ति है कि वो आपको इतना एकाग्र कर देगा, मन इतना शांत कर देगा, आपके कण कण में इतनी शक्ति भर जाएगी, आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आपको कोई दुनिया की परवाह नहीं रहेगी। तो बेटे कैसे हैं, बेटी कैसी है, पड़ोसी कैसा है, इन बातों को छोड़ दो। कष्ट क्या है, दुख क्या है, मूर्खों का संग, दुख क्या है, अधिक भावना विचार कम, खूब भावना में अरे मेरा ये मेरा वो मेरा वो, अरे किस किस का क्या क्या करेंगे हम। जनक जी को अष्टावक्र जी बोले, जनक भला तू ये बता मुझे, ऐसा इस दुनिया में कौन व्यक्ति है जिसने सबका भला कर दिया हो, ऐसा इस दुनिया में भला कौन व्यक्ति है जिसको सभी लोग भला कहते हो, ऐसा इस दुनिया में कौन व्यक्ति है जो सबके कष्ट दूर कर पाया हो। जनक जो तेरी सामर्थ्य है, जो तेरी शक्ति है, जो तुझे पर्याप्त जो कुछ भी है उसके अनुसार जो तू जगत की सेवा कर सकता है वो सेवा कर, पुत्र इत्यादि राज इत्यादि की जो तेरे से सेवा बन पड़े वो सेवा कर, और व्यर्थ चिंतन मत कर, अपने विचार कर, अपने कार्य में लग। ये संसार तो ऐसे ही रहने वाला है, तू हंसता जा या रोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, इसीलिए तान के चादर सोता जा, मतलब निश्चिंत रह तू, भगवान ने सबका कोई ना कोई प्रारब्ध ही लिखा है, और ये तेरा प्रारब्ध है कि तेरे
तुझे अभी सत्संग प्राप्त हो गया, तेरे जीवन में, तुम्हारे जीवन में ये सत्संग आ गया, तो ये तेरा प्रारब्ध है, बड़ा सुंदर, इससे सुंदरतम कोई प्रारब्ध नहीं हो सकता। सत्संग की आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीरा संगत साधु की और हरे कोटि अपराध। आधी घड़ी सत्संग सुन लिया, उसकी भी आधी घड़ी सुन लिया, अरे भाई आप किस चीज की चिंता करते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं, आप लोग जो जानते हैं मेरे व्यक्तिगत जीवन को, तो ये भली भांति जानते होंगे कि मेरा पूर्व का जो जीवन था वो एक इंजीनियर वाला जीवन था। वहां से रिजाइन किया, एक साधु जीवन में आई, एक फूटी कोड़ी अपने पास नहीं रखी, सब डोनेट कर दिया। आप लोग जानते होंगे कई आश्रमों में कई पुलियाएं बनवा दी हमने, कई आश्रमों में कई कोई कोई गौशालाओं का चारा दे दिया। ये हमें ऐसा नहीं कि हमने कर दिया, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीजें जीवन में होती गई सहज। जब हम घर से निकले हमारे पास फूटी कोड़ी नहीं थी, अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन रोटी तो हमें भी मिल रही है। आप लोगों के पास मुझसे ज्यादा संपत्ति है, आप लोगों के पास मुझसे ज्यादा बहुत कुछ है। आपको क्या लग रहा है कि मैं ये चमचमाती धोती पहने हूं और मेरा चेहरा चमचम चमक रहा है, तिलक लगा है, तो क्या मैं कोई करोड़ों अरबों रुपए लिए बैठा हूं तब मैं खुश हूं? आप लोगों के पास मुझसे ज्यादा संपत्ति है, आप क्यों दुखी हैं? अरे मैं लाइन में लग के भिक्षा करता हूँ, लाइन में लग के लंबी लाइन में, वो तो अभी मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ उन विद्यार्थियों ने कहा महाराज जी आप भिक्षा लाइन में लग के ना किए, या तो हम आपकी भिक्षा ला देंगे या आपकी भिक्षा हम बना देंगे। वो महात्मा ही है वो विद्यार्थी ब्रह्मचारी, अन्यथा तो हमने लाइन में लग के टुकड़ा मांग के खाया है भाई। आप लोगों को तो ऐसी 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 वो नहीं है, तो दुखी नहीं हो। मेरे पास किसी किसी की कुछ कुछ पीड़ा पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे सब कुछ होता है, भगवान ने दो रोटी दी है, सर पे छत दी है, हाथ पैर सही है, फिर किस बात की चिंता है? तुम्हारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तुम्हारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अरे भाई ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, तुम किसकी चिंता करते हो भाई? हम तो कुछ अपने अनुभव बताएंगे तो लोगों को लगेगा अपने अनुभव बता रहे हैं, कहां कहां कैसी कैसी जगह गए गए, सुबह सुबह 3 बजे हम वृंदावन में उतरे और एक आश्रम में हमने जाके कहा हमें रख लो, क्या बताएं हमें, बहुत मीठी मीठी उन्होंने धड़ाधड़ माँ बहन की गालियां सुना दी सुबह 3 बजे। आपको तो नहीं सुनाई होगी किसी ने, आपने तो किसी से आश्रय नहीं मांगा होगा, और आप जो हमारी बैकग्राउंड जानते हैं वो भी जानते हो कि भरा पूरा घर परिवार सारी चीज ही हमने छोड़ के अलग हटे हैं। अरे जहां 50 लोग एक हॉल में सोते हो, जहां 40 लोगों की जगह और सोते हो 45-50 लोग, ऐसे बड़े बरामदे में हमने सोए हैं, आपको क्या बताएं? आप चिंता किस बात की करते हैं भाई? भगवान पे भरोसा नहीं है क्या? वो देंगे नहीं क्या आपको? दो रोटी दे रहे हैं तो आपको सब कुछ दे ही रहे हैं, तो व्यर्थ की ये जो ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं, आज की बात उन्हीं के लिए। एक तो फालतू बातें मत सोचो, जप में लगो। मैं क्या करूं, बोले जप कर ले तू, और जो है ये देखो आप कि दुख जो आ रहा है वो गलत संगत के कारण आ रहा है, उस संगत को छोड़ दो। और हर किसी के सामने अपने दुखड़े नहीं रो, कोई आपके दुख दूर नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के और गुरुजनों के ज्ञान के। इसलिए भगवान से कहो, अपने कमरे में बैठ जाओ, जप करो, भगवान से कहो, कहते रहो, 2-4 वर्ष भजन में बिताओ तो सही। मुझे तो लगता है 1 वर्ष में ही बरकत आ जाएगी, 2 दिन में भी आ सकती है। तुम्हारे साथ है रघुनाथ तो
तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया है मात, चरण में रख दिया है मात। ये मत्था रख दो चरणों में ईश्वर के, संसारियों के चरणों में इस मत्थे को मत टिकाओ, कोई तुम्हें खुश नहीं करने वाला, ना तुम्हें तुम्हारा दामाद खुश करेगा, ना बिटिया खुश करेगी, ना बेटा खुश करेगा, कोई खुश नहीं करने वाला, सब निचोड़ने पे लगे हुए हैं संसार में। जब तक जिसका रस जो निचोड़ सकता है निचोड़ेगा, कोई कोई होते हैं आज्ञाकारी, नहीं तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं आजकल। भगवान से प्रीत लगा लो, और चलो उन्होंने निभा भी लिया, अच्छे बेटे पोते दामाद अच्छे भी मिले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका सौभाग्य है आपको अच्छा मिले, लेकिन शमशान से आगे आपको यात्रा कराएंगे क्या वो है? चार कंधों पे ले जाएंगे, छोड़ देंगे उधर, आपका जो आपने जप किया जो कर्म किया वो आपके साथ चलने वाला है। चलो बहुत सीरियस बात हो गई, एक बढ़िया बात बता देते हैं है? अभी शमशान से याद आ गई, एक बार हमने किसी से कहा कि अरे तुम कैसे कर रहे हो, थोड़ा कम खाया करो ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा, थोड़े पतली हो जाओगी माता, इतनी मोटी हो, थुल थुल हो गई हो है? पहले वो पिक्चर में आती थी ना टुनटुन, ना टुनटुन आंटी बन गई हो, थुल थुल आंटी है, क्या इतना खाती हो आप, थोड़ा कम खाया करो। अरे बोले महाराज जी कम खा लूं तो क्या हो जाएगा और ज्यादा खा लूं तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा माता आप तो मुझे सत्संग देने लग गई, थोड़ा और आगे बढ़ो और सत्संग दो। बोले अरे कम खा लूंगी तो खुद को दुख है, ज्यादा खा लूंगी मुझे क्या दुख है, चार आदमी तो कंधे पे उठा के ले जाएंगे, वजन उनको लगेगा मुझे क्या लगना है वजन उन आदमी को लगेगा चार को है। चिंता नहीं करो, ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, वो भी खुश है, खुश रहो आनंद में रहो। ओ